आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतेंद्र कुमार राय, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर टीचर। आप इस चैनल के द्वारा अपने मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी के द्वारा कंप्यूटर कोर्स कर लाभ उठा सकते हैं। मैं सतेंद्र कुमार राय, राय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसमें आप ऑनलाइन स्टडी कर अपना भविष्य सुनहरा बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बगैर समय गवाए कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक पार्ट वन, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। मित्रों, इस अध्याय में आपको जानकारी मिलेगी इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कंप्यूटर की जो पिक्चर है वो प्रदर्शित आपको दिखाई दे रहा होगा। मीन्स मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मॉडम, इन सभी को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। वेलकम टू रॉय टेक्निकल इंस्टीट्यूट गाइस। Some illiterate person say computer is an Aladdin lamp or magic box, but computer is not an Aladdin lamp or magic box. Computer is an electronic device which can process raw data and solve all kinds of arithmetical and logical operation. कुछ अनपढ़ व्यक्ति कहते हैं कि कंप्यूटर एक अलादीन लैंप या मैजिक बॉक्स है, लेकिन कंप्यूटर अलादीन लैंप या मैजिक बॉक्स नहीं है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संसाधित कर सकता है और सभी प्रकार के अंकगणितीय और तार्किक संचालन को हल कर सकता है। अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल फंक्शन लाइक कंपेयरिंग वैल्यूज, ए इज ग्रेटर देन बी, फाइव इज ग्रेटर देन सिक्स, इट विल बी इन ट्रू और फॉल्स। अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस मीन्स जोर, घटाओ, गुना, भाग। लॉजिकल फंक्शंस के द्वारा हम डाटा को कंपेरिजन कर सकते हैं, जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, फाइव इज ग्रेटर देन सिक्स, जिसका उत्तर हमें सही या गलत में प्राप्त होता है। वी एंटर डाटा, इट कन्वर्ट इट इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड यूजर इंस्ट्रक्शंस, कॉमनली नाउ एज ए प्रोग्राम। कंप्यूटर में डाटा इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस के द्वारा इनपुट कर देते हैं। डाटा का मतलब होता है रॉ इन्फॉर्मेशन, मीन्स जानकारी, जैसे विद्यार्थी का नाम, पता, विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किया हुआ अंक, विद्यार्थी की जन्म तिथि, लिंग इत्यादि। कंप्यूटर यूज़र के द्वारा दी हुई डाटा को एक्सेप्ट कर लेता है, डाटा को सेव कर सकते हैं, डाटा को अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रोसेस कर सकते हैं एवं आवश्यकता अनुसार सेव किया हुआ डाटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनचाहे फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। Nowadays, computers are used in every field of life, that is bank, schools, industry, etc. Because it can do the work very fast and accurately. Today, different people to do difficult tasks use the computers. Computers, being a versatile machine, are used in almost every field today. आजकल कंप्यूटर की विशेषताएं की वजह से सभी फील्ड में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको एक भी ऐसा कोई फील्ड नहीं मिलेगा जो कि कंप्यूटराइज ना हो, जैसे बैंक, स्कूल, इंडस्ट्री, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही तीव्रतापूर्वक एवं 100% शुद्धता के साथ काम पूरा कर देता है। कंप्यूटर के द्वारा मुश्किल कार्य भी आसानी से पूरी की जाती है। कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन कहलाता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के कार्य करना, जैसे अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा।
Today, computer is also capable to send text, graphics, sound, pictures, and videos one computer to another computer using email or cable or Wi-Fi at a very high speed. So we can say computer is a marvelous tools of communication. आजकल कंप्यूटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, पिक्चर एंड वीडियो एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में भेजी या प्राप्त किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर संचार का एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। सिंपली वी कैन से अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। इट कैन सॉल्व ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन, दैट इज अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक कैलकुलेशन दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लॉजिकल फंक्शन लाइक कंपेयरिंग वैल्यूज, ए इज ग्रेटर देन बी, फाइव इज ग्रेटर देन सिक्स, इट विल बी इन ट्रू और फॉल्स। कंप्यूटर एक यांत्रिक कलपुर्जे की बनी हुई मशीनरी यंत्र है और इसमें हम हर एक तरह का कैलकुलेशंस, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस सॉल्व कर सकते हैं। अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस मींस जोर, घटाओ, गुना, भाग। लॉजिकल फंक्शंस का मतलब होता है डाटा को कंपेयर करना, मींस ए ग्रेटर देन बी, फाइव इज ग्रेटर देन सिक्स, और जो इसका आंसर है ट्रू फॉल्स, सही या गलत में आता है। हाउ कंप्यूटर डज इट्स वर्क। कंप्यूटर की काम करने का तरीका मीन्स सबसे पहले इनपुट लेते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा। जब हम डाटा इनपुट देते हैं तो वो प्रोसेसिंग होता है। कहाँ पे? सीपीयू में। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद हमें प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है? आउटपुट। आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। कंप्यूटर असिस्ट द वर्क ऑफ ह्यूमन माइंड, देयरफॉर इट्स वर्क जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। इफ़ यू वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम थ्रू द ह्यूमन माइंड, इट इज इसेंशियल टू यूज एनी इनपुट डिवाइस लाइक ईयर और आइज, एंड देन प्रोसेसिंग वर्क विल बी फॉर्म इन ह्यूमन ब्रेन एंड आउट डिवाइस माउथ एंड हैंड आर रेडी टू आंसर देम। सो दैट यू कुड पुट इन द प्रॉब्लम ऑन द अदर हैंड, इट इज इसेंशियल टू हैव वे आउटपुट डिवाइस लाइक माउथ और हैंड्स, सो दैट द रिजल्ट्स ऑफ सॉल्यूशंस कुड बी एक्सप्रेस्ड। सिमिलरली द कंप्यूटर आल्सो कंसिस्ट ऑफ इनपुट कीबोर्ड एंड माउस एंड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर एंड प्रिंटर रिस्पेक्टिवली। कंप्यूटर इंसानों की तरह ही काम करता है। जैसे इंसान किसी प्रॉब्लम को आँख या कान के द्वारा लेता है, इनपुट के बाद दिमाग में प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद मुंह के द्वारा बोलकर या हाथ के द्वारा लिखकर उत्तर दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर कीबोर्ड के द्वारा इनपुट लेता है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। इस सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इसके बाद हमें मॉनिटर या प्रिंटर पर उत्तर मिल जाता है। An input device is used to send or out information to a computer. Without the input device, there is no other means of communication with the computer. There are many different input devices, that is keyboard, mouse, digital camera, scanner, microphone. Input device ka istemal data ko computer mein send or out means bhejne aur prapt karne ke liye istemal mein laya jata hai. इस इनपुट डिवाइस के बगैर कंप्यूटर के साथ संचार नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए बहुत से डिवाइस हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर एट्सेट्रा। एन आउटपुट डिवाइस इज अ मशीन दैट टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्रिंट्स और डिस्प्लेज इट ऑन अ मॉनिटर और प्रिंटर। A speaker is also an output device. Simply we can say monitor, printer and a speaker is an output device. Output device के द्वारा computer से information monitor, printer या speaker पर प्राप्त कर सकते हैं।
Personal computer consists of the following units: CPU, keyboard, mouse, monitor, floppy drive, hard disk, printer, speaker, mic. आगे अब हम इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं. CPU, the central processing unit, is the computer's brain that understands and executes all the instructions. The brain here is not to be compared to the human brain, which has the capacity to store information permanently. It is the CPU, whether they deal with input-output operations or numerical calculations, example 2 multiply 3 equal to 6, or logical comparison A equal to B. CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. सेंट्रल का मतलब होता है बीच का, प्रोसेसिंग का मतलब होता है डू समथिंग, यूनिट का मतलब क्या होता है इकाई, इट मीन्स सबको ऑपरेट करने वाला इकाई. इसलिए CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है. इसके द्वारा यूजर के द्वारा दी हुई सभी आदेशों का पालन करता है. CPU में सभी प्रकार की इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, सभी प्रकार की कैलकुलेशंस करता है, जैसे एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6, और लॉजिकल कंपैरिजन मींस जहाँ पे तार्किक हो, लाइक ए इक्वल टू बी या फाइव ग्रेटर देन 7, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स कहाँ पे सॉल्व होते हैं CPU के द्वारा. कीबोर्ड लुक लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. बाय टाइपिंग इन वी कैन इनपुट एनी अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर. द कंप्यूटर कीबोर्ड मे हैव 84 टू 110 कीज. The keys on the computer keyboard are similar to the typewriter, with few additional keys on the computer keyboard. Keyboard has a 3 parts: typing keys, numeric keypad, function keys. Keyboard एक electronic typewriter की तरह होता है. हम इसकी सहायता से सभी प्रकार की alphanumeric और numeric information computer में input करते हैं. Keyboard में 84 से लेकर के 110 keys होते हैं. कीबोर्ड के 3 पार्ट होते हैं: टाइपिंग कीज, न्यूमेरिक कीपैड, फंक्शन कीज. टाइपिंग कीज के द्वारा हम कोई भी अल्फा न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन जैसे नाम पता वगैरह टाइप करते हैं. अगर न्यूमेरिक डाटा एंटर करना है जैसे किसी का मोबाइल नंबर, तो हाउस नंबर, तो हम न्यूमेरिक कीपैड यूज़ करते हैं. फंक्शन कीज की सहायता से हम जो काम आसानी से कर पाते हैं, जैसे हर एक सॉफ्टवेयर में इनका अलग अलग फंक्शन है, हैंस नेम फंक्शन कीज. कीबोर्ड में जो फंक्शन कीज होता है वो F1, F2, F3 अप टू F12 तक होता है. कीबोर्ड में जो सबसे बड़ी कीज है वो स्पेस बार कहलाता है. दो वर्ड्स के बीच में गैप देने के काम आता है. कीबोर्ड में एक एंटर कीज भी होते हैं. अगर आपने पैराग्राफ चेंज करना है तो हम एंटर कीज का इस्तेमाल करते हैं, या कोई कमांड्स हमने टाइप कर लिया उसको एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए भी हम एंटर कीज इस्तेमाल में लाते हैं. Mouse. The mouse is a device that is used extensively in Windows-based programs. The mouse acts as an interface between the personal computer and the user. You can use the mouse as an alternative to entering commands, to move the cursor or select option, and to execute commands. The mouse can have a different shapes and size. A typical mouse may have a 2 or 3 buttons. माउस एक यांत्रिक डिवाइस है जिसकी सहायता से विंडो बेसिक प्रोग्राम्स में कमांड एंटर की जा सकती है. आप कर्सर को मूव कर सकते हैं, ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं. माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, एंड जो बीच में होता है उसको स्क्रॉल बटन कहते हैं. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. इट्स ऑल्सो कॉल्ड वीडियो. वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट. दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम डिस्प्लेज अ कंप्लीट कंप्यूटर्स इन विजुअल फॉर्म. मॉनिटर दिखने में बिल्कुल टीवी की तरह होता है, इसे वीडियो भी कहते हैं. विजुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं मॉनिटर पे वो हमें प्रदर्शित होता रहता है. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. It is an important input-output device in the personal computer. The floppy disk drive is a storage device
The personal computers store all types of information such as letters, computer programs, spreadsheets, databases, etc. in floppy disks. It is random access of information and portable. Floppy disk drive are of two types, micro floppy disk drive and mini floppy disk drive. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। यह पोर्टेबल है, मीन्स हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को अगर ले जाना होगा तो इसके लिए हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इस्तेमाल में लाते हैं। यह रैंडम एक्सेस इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक माइक्रो कहलाता है और दूसरा मिनी कहलाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, it is an important input output device in the personal computer. The hard disk drive is used for storage large volume of data and speedy access. It is random access of information. It is available in the different sizes, that is 40 GB, 80 GB, 1 TB, 2 TB or higher. As per requirement, user uses it. Hard disk drive एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसमें लार्ज वॉल्यूम डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। हार्ड डिस्क के डाटा को यूज़र स्पीडली एक्सेस कर सकता है। यह कई साइज में मार्केट में अवेलेबल है, एग्जांपल 40 GB, 80 GB, 160 GB, 1 TB, 2 TB, इससे भी बड़ी साइज की हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल है, तो ज़रूरत के हिसाब से यूज़र उसको इस्तेमाल में लाते हैं। Printers. Printer is the most important output device which is used to print information on paper. Printers are used to make hard copies of documents and graphics. Different types of printers are used with personal computer, that is dot matrix printer, inkjet printers and laser printer. Dot matrix printer usually have a printing speed of 50 to 500 characters per second. Dot matrix printer is low cost and reasonably good speed. Inkjet or deskjet printer, it is non-impact printer and print character and graphics by spraying very tiny drops of ink directly into paper, and you can print color also. Laser printer, they produces nearly laser quality and generally capable of printing between 1 and 3 pages per minute. They produces the best quality output at speed of between 4 and 20 pages of text minute. They print as fast as Xerox. Printer एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसके द्वारा कागज के ऊपर प्रिंट किया जाता है। प्रिंटेड पेज को हार्ड कॉपी कहा जाता है। प्रिंटर कई प्रकार के हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है, इसे अकाउंटिंग या बिलिंग के काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। डेस्कजेट प्रिंटर ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, इसमें आप जैसे कलर फोटो प्रिंट निकाल सकते हैं। लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल उच्च क्वालिटी की ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए लाया जाता है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है, यह 4 पेजेस से लेकर 20 पेजेस 1 मिनट में प्रिंट निकाल सकते हैं। लाइक जैसे फोटो स्टेट मशीन है, वैसी स्पीड इसकी होती है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, द प्रिंटर दैट प्रिंट्स द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर इज कॉल्ड इंपैक्ट प्रिंटर, एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर एट्सेट्रा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, द प्रिंटर्स दैट प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू द पेपर कॉल इट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एग्जाम्पल इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर को कहा जाता है जो अपनी छाप छोड़ देते हैं। यह प्रिंटर प्रिंटिंग के समय आवाज़ भी देता है। ये प्रिंटिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज़ एक दूसरे के संपर्क में सीधे तरीके से होता है,
और वे लेजर प्रिंटिंग के माध्यम से की जाती है, अतः इसमें से आवाज़ नहीं आती है। इसकी प्रिंटिंग और क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है। इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेस्कटॉप प्रिंटर एट्सेट्रा। स्पीकर एंड माइक टू लिसन आउटपुट लाइक म्यूजिक प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर वी शुड हैव रिक्वायर्ड गुड क्वालिटी साउंड कार्ड स्पीकर एंड माइक। आउटपुट को सुनने के लिए, जैसे कोई म्यूजिक सुनना है, कोई वीडियो देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, उसके लिए हमें स्पीकर या माइक को इस्तेमाल में लाया जाता है। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट मेक इट पॉसिबल फॉर इट टू प्ले सच अ सेंट्रल रोल इन आवर लाइव्स आर स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सेटिलिटी, कम्युनिकेशन, नोमिनेशन एट्सेट्रा। कंप्यूटर की विशेषताओं की वजह से उसका प्रयोग सभी फील्ड में हो रही है। उसकी जो विशेषताएं हैं, जैसे स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सेटिलिटी, कम्युनिकेशन, नो इमोशन, ऑटोमेशंस एट्सेट्रा। स्पीड, कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड टू सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। इट विल डू अ पार्ट ऑफ बिलियन सेकेंड। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर इज जनरली मेजर इन नैनो सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू 1 बिलियंथ ऑफ सेकेंड। कंप्यूटर की सहायता से हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की जो स्पीड है उसे हम नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड कहते हैं। 1 नैनो सेकेंड इक्वल टू अ पार्ट ऑफ बिलियन सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड का करोड़वा हिस्सा। तो 1 सेकेंड के करोड़वें हिस्से में वो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर देता है। स्टोरेज, कंप्यूटर हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी लाइक इट्स स्टोर इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश दे आर स्टोरेड इन ऑप्टिकल डिस्क दैट इज लेसिंग बोथ साइड एंड वेट्स। कंप्यूटर में यूज़र बड़ी से बड़ी डाटा को स्टोर करके रख सकता है, सेव करके रख सकते हैं। जैसे इनसाइक्लोपीडिया और ब्रिटेनिका की जो डिक्शनरी होती है वो पूरी की पूरी डिक्शनरी एक छोटे से डिस्क में आप स्टोर करके रख सकते हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। तो कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट, इट इज नेवर मेक मिस्टेक्स। हाउएवर दीज मिस्टेक्स आर ड्यू टू रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सेंट बाई ह्यूमन बींग्स। सपोज इफ यू फीड रॉन्ग डाटा वी गेट रॉन्ग आंसर, इफ यू फीड राइट डाटा गेट राइट आंसर। कंप्यूटर के द्वारा की हुई सभी कैलकुलेशन 100% सही होता है। यदि यूज़र कोई गलत डाटा कंप्यूटर में फीड करेगा तो गलत रिजल्ट आएगा, यदि यूज़र सही डाटा कंप्यूटर में फीड करेगा तो 100% सही रिजल्ट आएगा। इंटेलिजेंसी मीन्स कंटिन्यूअसली वर्क मीन्स कंप्यूटर नेवर लॉस हिज कंसंट्रेशन एंड डज नॉट सफर फ्रॉम फटीग। ही कैलकुलेट्स एवरी लार्ज डाटा विथ सेम स्पीड एंड टाइम मीन्स इंटेलिजेंसी का मतलब होता है लगातार कार्य करने में सक्षम। कंप्यूटर बिना रुके बिना थके लगातार 100% शुद्धता के साथ काम करता है। उदाहरण, यदि कोई इंसान को 500 अलग अलग प्रकार के कैलकुलेशन दे दी जाए तो वह शुरू शुरू में तो बहुत ही स्पीडली काम करेगा, किंतु 2-4 घंटे के बाद थक जाएगा और उसके काम करने की स्पीड कम हो जाएगी। 10 या 15 घंटे के बाद इंसान के काम करने की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाएगी और गलती भी हो सकता है। लेकिन यदि यही काम कंप्यूटर के द्वारा की जाए तो वह शुरू से लेकर अंत तक एक ही रफ्तार से और 100% शुद्धता के साथ करेगा। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के काम करना। वी कुड सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स लाइक प्लेइंग गेम्स, मैनेजिंग देयर कॉरेस्पॉन्डेंस, अकाउंट वर्क, सेंडिंग ईमेल एंड सो ऑन इन वन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम अपनी ज़रूरत के अनुसार, जैसे अकाउंटिंग का काम, डिज़ाइनिंग का काम, वेब डिज़ाइनिंग का काम, गेम खेल सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं,
इत्यादि। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार का माध्यम। तो कंप्यूटर हैज़ अ हुक स्ट्रॉन्ग पावर कम्युनिकेशन। थ्रू कंप्यूटर वी कैन कम्युनिकेट विद अदर पीसी सिटिंग एट आवर होम ऑफिस। वी कैन सेंड और रिसीव ईमेल, फैक्सेस, डॉक्यूमेंट, इवन पिक्चर्स एंड साउंड टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो वी कैन से कंप्यूटर इज अ मार्वेलस टूल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार का जरिया। वर्तमान समय में कंप्यूटर एक बहुत ही अच्छा संचार का माध्यम है। हम अपने घर या ऑफिस से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यूज़र कंप्यूटर के द्वारा ईमेल कर सकता है। ईमेल का मतलब यांत्रिक पत्राचार होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल कहलाता है। इसके द्वारा टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, पिक्चर एंड वीडियो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड या रिसीव कर सकते हैं। आप जैसे ही डाटा अगले के कंप्यूटर्स में भेजते हो, मेल करते हो, वो उसे रिसीव कर लेता है। इसलिए कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा माध्यम है, जरिया है। गाइज, पिछले चैप्टर में आप यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसके बारे में जानकारी ली है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कंप्यूटर की इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आवर फोर फादर्स वर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स वाइल डूइंग देयर कैलकुलेशन। एन अर्ली मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड अबाकस वाज डेवलप्ड फॉर दिस पर्पस। द अबाकस दैट वाज यूज्ड मोर देन 2000 ईयर्स एगो टू स्टिल इन यूज इन मेनी कंट्रीज सच एज चाइना एंड जापान। बैलिस पास्कल डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इन 1642। अबाउट 30 ईयर्स लेटर्स इन 1671 अ जर्मन मैथमेटिशियन डेवलप्ड अ कैलकुलेटिंग मशीन दैट कुड एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड इवन एक्सट्रैक्ट द स्क्वायर रूट। देन अराउंड 1800 अ मैकेनिकल डिस्क कैलकुलेटर वाज डेवलप्ड। इन द नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट machines that could calculate and print results were developed around 1890. Around the same period, Dr. Hermann Hollerith came out with the concept of punched cards. These punched cards were used extensively as input media in modern digital computers. In 1833, Professor Charles Babbage of Cambridge University, England, who is considered as the father of the modern digital computer, proposed a machine. He named this machine the analytical engine. Professor Charles Babbage spent much of his life in building this machine but could not succeed, as the precision engineering required to build it was not available at the time. However, the principles the established were used later in the design of digital computer. Most of the work of development of early digital computer was done between 1937 and 1957. हमारे पूर्वजों को गणना करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस उद्देश्य के लिए अबेकस नामक एक प्रारंभिक मैनुअल गणना उपकरण विकसित किया गया था। 2000 साल से भी पहले इस्तेमाल किया जाने वाला अबेकस अभी भी चीन और जापान जैसे कई देशों में उपयोग में है। ब्लेज पास्कल ने 1642 में पहली यांत्रिक जोड़ने वाली मशीन विकसित की। लगभग 30 साल बाद 1671 में एक जर्मन गणितज्ञ ने एक गणना मशीन विकसित की जो जोड़, घटा, गुना, विभाजित और यहाँ तक कि वर्गमूल भी निकाल सकती थी। फिर 1800 के आसपास एक यांत्रिक डेस्क कैलकुलेटर विकसित किया गया। विकास के अगले चरण में परिणाम की गणना और प्रिंट करने वाले मशीनों को उसी अवधि के आसपास 1890 के आसपास विकसित किया गया था। डॉक्टर हर्मन होलेरिथ पंच कार्ड की अवधारणा के साथ सामने आए। इन पंच कार्डों का आधुनिक डिजिटल उपकरणों में इनपुट मीडिया के रूप
में व्यापक रूप में उपयोग किया जाता था। 1833 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज, जिन्हें आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का जनक माना जाता है, ने एक मशीन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस मशीन को एनालिटिकल इंजन का नाम दिया। इस मशीन को बनाने में प्रोफेसर चार्ल्स बैबेज ने अपना अधिकांश जीवन बिताया, लेकिन सफल नहीं हो सके क्योंकि उस समय इसे बनाने के लिए आवश्यक सटीक इंजीनियरिंग उपलब्ध नहीं थी। हालांकि उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों का उपयोग बाद में डिजिटल कंप्यूटर के डिज़ाइन में किया गया था। प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर के विकास पर अधिकांश कार्य 1937 और 1957 के बीच किए गए थे। द मार्क वन कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड द ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर वॉज द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। दिस कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर हॉवर्ड आइकन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन कोलेबोरेशन विद इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। द मार्क वन वॉज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, रेदर इट वॉज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर। The size of this computer was huge and its design was very complex. Guys, अब हम Mark I computer के बारे में जानकारी लेते हैं। Mark I computer 1937 से लेकर के 1944 के बीच में इस्तेमाल में लाया गया। Mark I computer, जिसे स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर भी कहा जाता है, पहली पूर्ण स्वचालित गणना मशीन थी। इस कंप्यूटर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हार्वर्ड एकिन ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया था। मार्क वन एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, बल्कि यह एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था और इसका डिज़ाइन बहुत जटिल था। द फर्स्ट Electronic computer was developed by Dr. John Vincent Antosoft, a professor of physics and mathematics. He did most of the work on his prototype during 1935 to 1942. Hello guys, Antosoft computer, जो कि 1935 से लेकर के 1942 के बीच इस्तेमाल में लाया गया, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भौतिकी और गणित के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन विसेंट अंटोनासॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। उन्होंने 1935 से 1942 के दौरान अपने प्रोटोटाइप पर अधिकांश काम किया। द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। The ENIAC was built at Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, USA, by a team of Professor J. Presper, Escott Jr. and John W. McWillie. The ENIAC used about 1900 vacuum tubes and was housed in a room of about 800 square feet. It could do about 300 multiplication per second. The ENIAC has a shortcoming. It could not store the operating instructions internally. These were fed through externally wired plug boards. गाइस, अब हम ENIAC कंप्यूटर, जो कि 1943 से लेकर के 1946 के बीच इस्तेमाल में लाया गया, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। डेवलपमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जो ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ENIAC का निर्माण प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट जूनियर और जॉन डब्ल्यू मुचली की एक टीम द्वारा
मुर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। एनिक में लगभग 19,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और इसे लगभग 800 वर्ग फीट के एक कमरे में रखा गया था। यह प्रति सेकंड लगभग 300 गुना काम कर सकता है। एनिक में एक कमी थी, यह ऑपरेटिंग निर्देशों को आंतरिक रूप से संग्रहित नहीं कर सकता था, इन्हें बाहरी तार वाले प्लग बोर्ड के माध्यम से दिखाया गया था। अ टीम ऑफ साइंटिस्ट लेड बाय प्रोफेसर मैरिसी विलिज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके डेवलप द फर्स्ट स्टोरेड इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर द एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। द डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम ऑन एडसेक वॉज हेल्ड इन 1949। गाइज, अब हम EDSC के बारे में जानकारी लेंगे, जिनका डेवलपमेंट फेज 1947 से लेकर के और 1949 तक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके के प्रोफेसर मॉरिस विलिज के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहला संग्रहित निर्देश कंप्यूटर EDSAC इलेक्ट्रॉनिक विलंब भंडारण स्वचालित कंप्यूटर विकसित किया। EDSAC पर पहले कार्यक्रम का प्रदर्शन 1949 में हुआ था। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर प्रोजेक्ट वॉज द फर्स्ट इफॉर्ट टू डेवलप अ स्टोरेड इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर। अ टीम लीड बाई प्रोफेसर जे प्रसवैर एस्कर्ट जेयर एंड जॉन डब्ल्यू मार्टी यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया USA डेवलप इट। द डिजाइन कॉन्सेप्ट वर बेस्ड ऑन डॉक्टर जॉन वॉन नेमन्स आइडिया दैट बॉड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्टोरेड इन द बाइनरी फॉर्म इंस्टेड ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम यूज बाई ह्यूमन बींग्स। गाइज, अब हम EDVAC के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि 1946 से लेकर के और 1952 तक इनका डेवलपमेंट फेज। तो EDVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। प्रोजेक्ट एक संग्रहित निर्देश कंप्यूटर विकसित करने का पहला प्रयास था। प्रोफेसर जे परस्पायर एकर्ट जूनियर और जॉन डब्ल्यू मॉचली यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया USA के नेतृत्व में एक टीम ने इसे विकसित किया। डिजाइन अवधारणाएं डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन के विचार पर आधारित थी कि डेटा और निर्देश दोनों को मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली दशमलव संख्या प्रणाली के बजाय बाइनरी रूप में संग्रहित किया जा सकता है। द फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC बिकम ऑपरेशनल एट द सेंसस ब्यूरो USA इन 1951। दिस कंप्यूटर वॉज यूज एट द सेंसस ब्यूरो फॉर अबाउट अ डिकेड। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन एक्वायर्ड UNIVAC इन 1954 एंड यूज अ कंप्यूटर फॉर अ कमर्शियल पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम। UNIVAC पहला यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 में जनगणना ब्यूरो USA में चालू हुआ। इस कंप्यूटर का उपयोग जनगणना ब्यूरो में लगभग एक दशक तक किया गया था। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने 1954 में UNIVAC का अधिग्रहण किया और पहली बार व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया। गाइस, टुडे वी लर्न क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज एंड कैपेसिटी। कंप्यूटर एक यंत्र है जिसे अलग अलग आधार एवं भागों में बांटा गया है। इनको तीन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, एप्लीकेशन के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, आकार के आधार पर। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, यह एक विशेष प्रकार
का मशीन है जो एनालॉग डाटा को प्रस्तुत करता है। एनालॉग डाटा, इसका मतलब यह है कि यह डाटा नंबर के फॉर्म में नहीं होता है, यह डाटा फिजिकल क्वालिटी के फॉर्म में होता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की डाटा को संग्रहण एनालॉग सिस्टम काम करता है। इस प्रकार के यंत्र का उपयोग वोल्टेज और टेम्परेचर इत्यादि मापने में किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार का डाटा नंबर में नहीं होता है, एक फिजिकल क्वालिटी के तौर पर उपस्थित होता है जिसका आकलन एनालॉग सिस्टम द्वारा किया जाता है। यह यंत्र फिजिकल क्वालिटी के डाटा का आकलन नंबर के रूप में करता है। डिजिटल कंप्यूटर आज के दौर में ऐसे सिस्टम सबसे प्रचलित यंत्र माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग मुख्य तौर पर हर प्रकार के बिजनेस में किया जाता है। यह यंत्र न्यूमेरिकल आंकड़ों को प्रशस्त करता है। इसका काम न्यूमेरिकल आंकड़ों को प्रोसेस कर डाटा को कैलकुलेट करना होता है। यह सभी प्रकार के बिजनेस में उपयोग किए जाने वाला यंत्र है, जैसे टैली अकाउंटिंग इत्यादि इसी प्रकार के सिस्टम से संपन्न होती है। आंकड़ों से संबंधित सभी काम इस डिजिटल कंप्यूटर पर आधार पर किए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर इस प्रकार के सिस्टम में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसका नाम हाइब्रिड इसलिए पड़ा है क्योंकि यह दोनों काम करने में सक्षम है। इस प्रकार की यंत्र का मुख्य तौर पर उपयोग अस्पतालों में किया जाता है, क्योंकि अस्पतालों में फिजिकल आंकड़ों का आकलन के साथ साथ न्यूमेरिकल आंकड़ों के आकलन की जरूरत भी होती है। टाइप एंड क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। इन शॉर्ट वी कैन से देयर इज नो एनी फील्ड विदाउट कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फॉर इंस्टेंस, फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस सच एज वर्ड प्रोसेसिंग यू मे रिक्वायर अ स्मॉल कंप्यूटर। ऑन द अदर हैंड, अ लार्ज कंपनी मे रिक्वायर अ लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज, एप्लीकेशन स्पीड, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन इट्स साइज। हेयर द कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार एवं वर्गीकरण, आधुनिक जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के काम के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बिना कोई क्षेत्र नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपको एक छोटे कंप्यूटर की आवश्यकता हो सकती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी को एक बड़े और शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता हो सकती है। कंप्यूटर को आकार, अनुपयोग, गति, प्रौद्योगिक आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कंप्यूटर को इसके आकार पर, इसके इस्तेमाल किए जाने पर वर्गीकृत किया गया है, लाइक जैसे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। टाइप एंड क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। इन शॉर्ट वी कैन से देयर इज नो एनी फील्ड विदाउट कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। फॉर इंस्टेंस, फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस सच एज वर्ड प्रोसेसिंग यू मे रिक्वायर अ स्मॉल कंप्यूटर। ऑन द अदर हैंड, अ लार्ज कंपनी मे रिक्वायर अ लार्ज एंड पावरफुल कंप्यूटर। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज, एप्लीकेशन स्पीड, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन इट्स साइज। हेयर द कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। स्मॉल माइक्रो कंप्यूटर्स दैट वर यूज फॉर पर्सनल एप्लीकेशंस इन होम्स इन द 1980s वर कॉल्ड होम कंप्यूटर्स। लार्ज कंपनीज, बैंक,
एयरलाइंस एट्सेट्रा नॉर्मली यूज लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स फॉल बिटवीन द मेन फ्रेम्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स. वर्ष 1980 में घरों छोटे दफ्तरों में व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे माइक्रो कंप्यूटर को होम कंप्यूटर कहा जाता था. मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों बैंक एयरलाइंस आदि के उपयोग में होता था. मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में आते हैं. कंप्यूटर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज एनालॉग एंड डिजिटल. योर पर्सनल कंप्यूटर इज अ डिजिटल कंप्यूटर. द कंप्यूटर्स यूज इन ऑफिसेस एंड होम्स आर जनरली डिजिटल. डिजिटल कंप्यूटर्स ऑपरेट डायरेक्टली ऑन नंबर्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज ए डिजिट्स. डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोर एक्यूरेट देन एनालॉग कंप्यूटर्स. दे कैन बी यूज फॉर डाटा प्रोसेसिंग एज वेल एज फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. ऑन द अदर हैंड एनालॉग कंप्यूटर्स दैट आर नॉर्मली यूज इन प्रोसेस इंडस्ट्री और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन डायरेक्टली मेजर बाय फिजिकल पैरामीटर्स सच एज ए वोल्टेज करंट प्रेशर टेम्परेचर लेंथ वेट फ्लो एट्सेट्रा. हाउएवर नाउअडेज डिजिटल कंप्यूटर्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. कंप्यूटर को एनालॉग और डिजिटल के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है. आमतौर पर एनालॉग और डिजिटल के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत किया जा सकता है. ऑफिस और घरों में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर डिजिटल होते हैं. डिजिटल कंप्यूटर सीधे उन नंबरों पर काम करते हैं जिन्हें अंकों के रूप में व्यक्त किया जाता है. डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर की तुलना में अधिक सटीक होते हैं. इनका उपयोग डेटा प्रोसेसिंग के साथ साथ वैज्ञानिक इंजीनियरिंग और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है. दूसरी ओर एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग उपकरणों को मापने में जैसे वोल्टेज करंट दबाव तापमान लंबाई वजन प्रवाह इत्यादि जैसे भौतिक मापदंडों को सीधे माप सकते हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज एंड कैपेसिटी. ईच एंड एवरी कंप्यूटर मस्ट फॉल इन वन ऑफ द फोर कैटेगरीज. लुक एट स्क्रीन. सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर. गाइज वी लर्न अबाउट सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर्स दीज आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स मेड टिल नाउ. दे आर मेड टू प्रोसेस हग अमाउंट्स ऑफ डाटा. मेनी यूजर्स कैन एक्सेस दैम एट द सेम टाइम. दे आर प्राइमरली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च दैट आर मैथमेटिकली इंटेंसिव सच एज एरोस्पेस सेटेलाइट केमिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पेट्रोलियम न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्रीज. सुपर कंप्यूटर आर यूज इन वेदर फोरकास्ट. द मेन फीचर ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मल्टी प्रोसेसिंग दैट एनेबल्स टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म नंबर ऑफ ऑपरेशंस. द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हैड फोर CPUs. टूडे सुपर कंप्यूटर्स हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रोसेसर्स. द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर इन नैनो सेकेंड एंड गीगाफ्लॉप्स. सुपर कंप्यूटर अब तक के बने सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है. ये बड़ी मात्रा में डेटा को संशोधित करने के लिए बना है. कई उपयोगकर्ता उन्हें एक ही समय में एक्सेस कर सकते हैं. सुपर कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाते हैं जो गणितीय रूप से मुश्किल हो जैसे कि एरोस्पेस उपग्रह रसायन इलेक्ट्रॉनिक्स पेट्रोलियम परमाणु ऊर्जा उद्योग मौसम के पूर्वानुमान इत्यादि. सुपर कंप्यूटर की मुख्य विशेषता मल्टी प्रोसेसिंग है जो कंप्यूटर को एक साथ कई ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है. पहला सुपर कंप्यूटर में 4 CPU थे. आज के सुपर कंप्यूटर में सैकड़ों प्रोसेसर होते हैं. सुपर कंप्यूटर की गति नैनो सेकेंड और गीगाफ्लॉप में मापी जाती है. मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज वेयर मेनी पीपल इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन नीड फ्रीक्वेंट एक्सेस टू द सेम इंफॉर्मेशन विच इज
यूजली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन ऑफ वन और लार्ज डाटाबेसेस। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम इज जनरली मेड अप ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स, कॉल इट टर्मिनल्स। अ टर्मिनल्स इज अ कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन वायर्ड टू मेंटेन। इट डज नॉट नेसेसरी हैव इट्स ओन सीपीयू और स्टोरेज। इट्स जस्ट हैज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, होस्ट प्रोसेसर्स, फ्रंट एंड प्रोसेसर एंड बैक एंड प्रोसेसर्स। अ फ्रंट एंड प्रोसेसर इज द वन हु हैंडल्स कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम ऑल द रिमोट टर्मिनल्स कॉन्सेप्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। द होस्ट प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग रेस्ट ऑफ द प्रोसेसर्स ऑपरेशंस एंड पेरिफेरियल डिवाइसेस अटैच टू इट। अ बैकग्राउंड प्रोसेसर इज यूज टू हैंडल डाटा रिट्रीवल ऑपरेशंस। ऑल्दो होस्ट प्रोसेसर इज कैपेबल टू डूइंग ऑल द ऑपरेशन बाई इट्स सेल्फ, बट इट इज स्टिल बेटर टू हैव रेस्ट ऑफ टू प्रोसेसर्स टू शेयर द लोड एंड सेविंग टाइम एंड इंक्रीजिंग स्पीड। मेनी मॉडर्न मेन फ्रेम सिस्टम्स हैव अ मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, हाउएवर दे आर जनरली लिमिटेड टू 8 और लेस प्रोसेसर्स। दे आर स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर एंड देयर स्पीड इज मेजर इन मेगाफ्लॉप्स एंड नॉट इन गीगाफ्लॉप्स। गाइस, एक बड़े संगठन में डाटा कई लोगों को आपस में साझा करने के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर एक मेनफ्रेम कंप्यूटर सिस्टम कई कंप्यूटरों से बना होता है जिन्हें टर्मिनल कहा जाता है। एक टर्मिनल एक कीबोर्ड और स्क्रीन है जिसे मेनफ्रेम से जोड़ा जाता है। जरूरी नहीं है कि इसका अपना सीपीयू या स्टोरेज हो, इनमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो। होस्ट प्रोसेसर, फ्रंट एंड प्रोसेसर और बैक एंड प्रोसेसर। एक फ्रंट एंड प्रोसेसर वह है जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े सभी दूरस्थ टर्मिनलों से संचार को व्यवस्थित करता है। डेटा पुनः प्राप्ति संचालन को संभालने के लिए एक बैक एंड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। यद्यपि होस्ट प्रोसेसर सभी प्रकार के कार्य स्वयं करने में सक्षम है, लेकिन लोड को साझा करने और समय को बचाने और गति को बढ़ाने के लिए बाकी दो प्रोसेसर होना भी बेहतर है। कई आधुनिक मेनफ्रेम सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग क्षमताएं होती है, हालांकि वे आमतौर पर 8 या उससे कम प्रोसेसर तक सीमित होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर की तुलना में धीमे गति होते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर की गति मेगाफ्लॉप में मापी जाती है, गीगाफ्लॉप में नहीं मापी जाती। गाइस, वी लर्न मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर इज दैट दे लाई somewhat in between mainframes and microcomputer. They can handle a great amount of data like mainframe. It can also support number of terminals, although they are designed for hundreds of terminals, but they different in speed. That is, mini computers are slower than mainframes and they can not support as many terminals as a mainframe can. They have less storage capacity and their prints two are slow. They are meant for a smaller organization which can neither afford mainframe. मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में कुछ हद तक मिलता है, जैसे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही बड़ी मात्रा में डाटा को संभाल सकते हैं। यह टर्मिनलों को सपोर्ट भी कर सकता है। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में स्पीड कम है, इनकी स्टोरेज क्षमता कम होती है और इनसे प्रिंट भी काफ़ी स्लो में होते हैं। जो संगठन मेन फ्रेम कंप्यूटर का खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए मिनी कंप्यूटर उपयोगी है। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन द मिनी कंप्यूटर। वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो कंप्यूटर्स एज डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एम्बेडेड कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से छोटे होते हैं। इन्हें डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एम्बेडेड कंप्यूटर के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर यूज इन होम, एजुकेशन सिस्टम एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। दीज कंप्यूटर्स कैन बी फिटेड ऑन द डेस्कटॉप।
लैपटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर्स, दीज आर द पोर्टेबल एंड चार्जेबल कंप्यूटर। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, दीज आर द पॉकेट कंप्यूटर्स ऑन विच वी कैन स्टोर एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स, वी कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट लिमिटेड सॉफ्टवेयर ऑन इट। एम्बेडेड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स विच आर वर्किंग इन साइड अनदर मशीन्स आर कॉल्ड एम्बेडेड कंप्यूटर्स। Like cars use computers to control engine, alarm clock use these computers to wake up, TV and VCD also use computer। Desktop computer का उपयोग घर, शिक्षा प्रणाली और लघु उद्योग में किया जाता है। इन कंप्यूटर को डेस्कटॉप पर फीड किया जा सकता है। लैपटॉप और नोटबुक कंप्यूटर, ये पोर्टेबल और चार्ज करने योग्य कंप्यूटर है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA, ये पॉकेट कंप्यूटर है जिन पर हम एड्रेस और फ़ोन नंबर स्टोर कर सकते हैं। हम इन कंप्यूटर पर लिमिटेड सॉफ्टवेयर भी चला सकते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर दूसरी मशीनों के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कार में इंजन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, अलार्म घड़ियाँ, TV और VCD इत्यादि में भी इन कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझती है। बाइनरी का मतलब जीरोस और वन होता है। बाइनरी भाषा को मनुष्य नहीं समझता है। मनुष्य केवल कुछ भाषाओं को, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली, पंजाबी भाषा आदि के रूप में समझता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस संख्याओं और नामों को बाइनरी रूप में और इसके विपरीत अनुवाद करने की जिम्मेदारी लेता है। बाइनरी का अर्थ है जीरोस या वंस। वे जीरोस और वंस का अनुवाद उस भाषा में करते हैं जिसे हम मनुष्य समझ सकते हैं। इसी तरह वे जीरोस और वंस का भी अनुवाद करते हैं ताकि कंप्यूटर समझ सके। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, बिकॉज कंप्यूटर्स अंडरस्टैंडिंग बाइनरी लैंग्वेजेस ओनली। बाइनरी मीन्स जीरोज एंड वंस। ह्यूमन बींग्स इज नॉट अंडरस्टैंड टू बाइनरी लैंग्वेज। ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंडिंग ओनली सम लैंग्वेजेस एज इंग्लिश, उर्दू, नेपाली, पंजाबी लैंग्वेजेस एट्सेट्रा। द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्रांसलेटिंग द नंबर्स एंड नेम्स इन टू द बाइनरी फॉर्म एंड वाइस वर्सा। बाइनरी मीन्स जीरोज और वंस। दे ट्रांसलेट द जीरोज एंड वंस देम इन टू अ लैंग्वेज दैट वी ह्यूमन बींग्स कैन अंडरस्टैंड। सिमिलरली दे ऑल्सो ट्रांसलेट द जीरोज एंड वंस सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इनपुट यूनिट का उपयोग कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में डाटा और निर्देश को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस उस डाटा को लेते हैं जो उपयोगकर्ता के लिए मानव पठनीय है, और फिर इनपुट डिवाइस इसे बाइनरी समकक्ष में परिवर्तित करता है और इसे मेमोरी में रखता है। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर, बारकोड रीडर, स्कैनर, ट्रैकबॉल, माइक्रोफोन, कैमरा, जॉयस्टिक और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आदि शामिल हैं। The input unit is used to enter the data and instructions into the computer main memory. The input devices take up the data and is the human readable for the user, and then input device convert it into the binary equivalent and place it in memory. The input device include the keyboard, mouse, magnetic ink character reader, optical character, barcode reader, scanner, trackball, माइक्रोफोन, कैमराज, जॉयस्टिक एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एट्सेट्रा। लेट अस अंडरस्टैंड सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस इन शॉर्ट्स। कीबोर्ड, जनरल पर्पस यूज व्हेन टेक्स्ट इज टू बी एंटर्ड, कैन बी यूज फॉर अल्फान्यूमेरिक डाटा। माउस यूज टू चूज ऑप्शन, ड्रॉ पिक्चर, स्टार्ट प्रोग्राम्स और ओपन फाइल्स। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यूज टू रीड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। ऑप्टिकल कैरेक्टर
used when data to be entered is volumes. Barcode reader used at supermarket checkouts and so on to read product information. Scanner used to input graphics, pictures and text. Trackpad used for pointing, especially in notebook or laptop computers. Microphone used for inputting sound that is then stored in digital form. Cameras used for storing still or moving pictures. Let us understand some common input devices in short. मित्रों आइए हम संक्षेप में कुछ सामान्य इनपुट डिवाइसों को समझते हैं. मित्रों कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है. यदि उपयोगकर्ता कंप्यूटर मेमोरी में कुछ नाम पता फोन नंबर आदि दर्ज करना चाहता है तो उपयोगकर्ता को कीबोर्ड उपयोग में लाता है. कीबोर्ड के माध्यम से उपयोगकर्ता आसानी से कंप्यूटर में अल्फान्यूमेरिक डाटा दर्ज करता है और न्यूमेरिकल डाटा भी दर्ज कर सकते हैं. जैसा कि आपको पता ही होगा अल्फान्यूमेरिक का मतलब होता है ए टू जेड और न्यूमेरिक 0 to 9. कीबोर्ड इफ यूजर वांट्स टू एंटर कंप्यूटर मेमोरी सम नेम एड्रेसेस फोन नंबर एटसेट्रा देन user uses keyboard. Through keyboard, user easily enter alphanumeric data into computer. Alphanumeric means A to Z or 0 to 9. Keyboard, computer की keyboard एक electronic typewriter की तरह दिखता है. Keyboard के माध्यम से हम किसी भी alphanumeric या संख्यात्मक जानकारी को computer में input कर सकते हैं. कंप्यूटर कीबोर्ड में 84 से लेकर के 110 कुंजी हो सकती है. कंप्यूटर कीबोर्ड की कुंजी टाइपराइटर के समान हैं लेकिन कंप्यूटर कीबोर्ड में टाइपराइटर की तुलना में कुछ अतिरिक्त कुंजी है. कंप्यूटर कीबोर्ड के तीन भाग हैं टाइपिंग कुंजी ए टू जेड संख्यात्मक कीपैड 0 to 9 फंक्शन कुंजी F1 से लेकर के F12 तक. माउस एक उपकरण है जिसका उपयोग विंडोज आधारित प्रोग्राम्स में किया जाता है. माउस पर्सनल कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है. आप माउस को कर्सर को स्थानांतरित करने और आदेश को पालन करने के लिए कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए आदेश को दर्ज करने के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकते हैं. माउस विभिन्न आकारों के में उपलब्ध हैं. एक माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं. इन बटन्स को बाएं बटन दाहिना बटन और स्क्रॉल बटन कहा जाता है. संक्षेप में हम कह सकते हैं कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है. वांछित विकल्प चुनने के लिए चित्र ड्रा करने के लिए कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए आदि का इन सभी कामों को हम माउस की सहायता से करते हैं. माउस इज अ डिवाइस दैट इज यूज एक्सटेंसिवली इन विंडो बेसिक प्रोग्राम्स. द माउस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द पर्सनल कंप्यूटर एंड द यूजर. You can use the mouse as an alternative to entering commands, to move the cursor, to select options and to execute commands. Mouse is available in different shapes and size. A mouse may have 2 or 3 buttons. These buttons are called left buttons, right button and scroll button. In short, we can say mouse is used to move cursor, choose desired option, draw pictures, start program, etc. चुंबकीय स्याही का उपयोग मुद्रित दस्तावेज को पढ़ने के लिए किया जाता है. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज यूज्ड फॉर रीड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स. चुंबकीय स्याही का उपयोग मुद्रित दस्तावेज को पढ़ने के लिए किया जाता है. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज यूज्ड फॉर रीड प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स.
ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जब कंप्यूटर में प्रिंटेड डाटा दर्ज करने की आवश्यकता होती है तो उपयोगकर्ता ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उपयोग करता है। व्हेन नीड एंटर टू प्रिंट वॉल्यूमियस डाटा टू कंप्यूटर देन यूजर यूज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बारकोड रीडर, सुपरमार्केट में बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है उत्पाद की जानकारी पढ़ने के लिए। बारकोड रीडर के माध्यम से आसानी से और जल्दी से उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर प्रोडक्ट की जानकारी डाटा दर्ज करने में सक्षम हो जाता है। बारकोड रीडर यूज एट सुपरमार्केट टू रीड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू बारकोड रीडर इजली एंड क्विकली यूजर कैन एबल टू एंटर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डाटा टू कंप्यूटर। मित्रों, स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। उसका उपयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स, पिक्चर और प्रिंटेड कंटेंट को इनपुट करने के लिए किया जाता है। स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू इनपुट ग्राफिक्स, पिक्चर एंड प्रिंटेड कंटेंट इन कंप्यूटर। ट्रैक बॉल, इसका उपयोग विशेष रूप से लैपटॉप या नोटबुक में किया जाता है। ट्रैक बॉल का उपयोग पॉइंटिंग डिवाइस के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज्ड स्पेशली इन लैपटॉप और नोटबुक। ट्रैक बॉल इज यूज्ड टू पॉइंटिंग डिवाइस। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग ध्वनि को इनपुट करने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है। माइक्रोफोन इज अ इनपुट डिवाइस। इट इज यूज टू इनपुटिंग साउंड दैट इज देन स्टोरेड इन डिजिटल फॉर्म। डिजिटल कैमरा, कैमरे का उपयोग कंप्यूटर में स्थिर चित्रों या वीडियो को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कैमरा इज यूज इन कंप्यूटर फॉर स्टोरिंग स्टिल पिक्चर्स और वीडियो। आउटपुट डिवाइस, वंस द डाटा प्रोसेसर हैज़ डन इट्स जॉब द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इज अवेलेबल इन बाइनरी फॉर्म इन द मेमोरी। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म दैट इज रीडेबल बाय ह्यूमंस। द आउटपुट डिवाइस डू दिस। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस ओनली अ टेम्परेरी कॉपी ऑफ द रिजल्ट्स, एग्जाम्पल मॉनिटर्स, while some other produce a permanent copy, example printers. In computer jargon, the temporary copy is called a soft copy and the permanent copy is called hard copy. Monitor, printer and plotter are some of the most commonly used output devices. A speaker is also an output device. The output unit receives the data from the CPU in the form of binary bits, then converted into a desired form, understandable by the user. आउटपुट डिवाइस, एक बार जब डाटा प्रोसेसर अपना काम कर लेता है तो उत्पादित जानकारी मेमोरी में बाइनरी रूप में उपलब्ध होती है, जो कि इंसान पढ़ नहीं सकता। अतः हमें उस रूप में बदलना होगा जो मनुष्य द्वारा पठनीय है, मतलब इंसान पढ़ सकता हो। आउटपुट डिवाइस ऐसा करते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस परिणामों की केवल एक अस्थायी प्रतिलिपि उत्पन्न करते हैं, जैसे मॉनिटर, जबकि कुछ अन्य अस्थायी प्रति प्रस्तुत करते हैं, जैसे प्रिंटर। कंप्यूटर की भाषा में अस्थायी कॉपी को सॉफ्ट कॉपी और अस्थायी कॉपी को हार्ड कॉपी कहा जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर
looks like a television. It's also called video. Video stands for visual display unit. This part of computer system displays a complete computers in visual form. मॉनिटर दिखने में बिल्कुल टीवी की तरह होता है, इसे वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट मीन्स हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं मॉनिटर पे वो हमें प्रदर्शित होता रहता है. प्रिंटर्स. प्रिंटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर. प्रिंटर्स आर यूज टू मेक हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ग्राफिक्स. Different types of printers are used with personal computer, that is dot matrix printer, inkjet printers and laser printer. Dot matrix printer usually have a printing speed of 50 to 500 characters per seconds. Dot matrix printer is low cost and reasonably good speed. Inkjet or deskjet printer, it is non-impact printer and print character and graphics by spraying very tiny drops of ink directly into paper, and you can print color also. Laser printer, they produces nearly laser quality and generally capable of printing between 1 and 3 pages per minute. They produces the best quality output at speed of between 4 and 20 pages of text minute. दे प्रिंट एज फास्ट एज जीरोक्स. प्रिंटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसके द्वारा कागज के ऊपर प्रिंट किया जाता है. प्रिंटेड पेज को हार्ड कॉपी कहा जाता है. प्रिंटर कई प्रकार के हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है, इसे अकाउंटिंग या बिलिंग के काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है. डेस्कजेट प्रिंटर ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, इसमें आप जैसे कलर फोटो प्रिंट निकाल सकते हैं. लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल उच्च क्वालिटी की ग्राफिक प्रिंटिंग के लिए लाया जाता है. इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है, यह 4 पेजेस से लेकर 20 पेजेस एक मिनट में प्रिंट निकाल सकते हैं. लाइक जैसे फोटो स्टेट मशीन है वैसी स्पीड इसकी होती है. टाइप्स ऑफ प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर, द प्रिंट प्रिंटर दैट प्रिंट्स द कैरेक्टर बाई स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर. एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर एटसेट्रा. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, द प्रिंटर्स दैट प्रिंट द कैरेक्टर्स विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन ऑन टू द पेपर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. एग्जाम्पल इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर. प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर को कहा जाता है जो अपनी छाप छोड़ देते हैं. यह प्रिंटर प्रिंटिंग के समय आवाज़ भी देता है. ये प्रिंटिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और कागज़ एक दूसरे के संपर्क में सीधे तरीके से होता है और वे लेजर प्रिंटिंग के माध्यम से की जाती है, अतः इसमें से आवाज़ नहीं आती है. इसकी प्रिंटिंग और क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है. इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेस्कजेट प्रिंटर एटसेट्रा. स्पीकर एंड माइक to listen output like music, playing games on the computer, we should have required good quality sound card, speaker and mic. Output को सुनने के लिए, जैसे कोई म्यूजिक सुनना है, कोई वीडियो देख रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, उसके लिए हमें स्पीकर या माइक को इस्तेमाल में लाया जाता है. हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इस फॉर्म को चेक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ई लर्निंग वेब पोर्टल लिंक, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड भेज देंगे. इसके बाद आप अपने समय अनुसार कभी भी कहीं भी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्ट टीवी पर वेबसाइट ओपन करने के बाद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं.
यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस होगी तो आप बेझिझक ऑनलाइन हमारे एग्जीक्यूटिव से चैट कर सकते हैं, जो कि 24/7 उपलब्ध होते हैं। मित्रों, कोर्स की समाप्ति के बाद आप जिस कोर्स में एडमिशन लिए हैं उसकी फाइनल एग्ज़ाम ली जाएगी। एग्ज़ाम पास होने के बाद आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके घर पर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा। मित्रों, यह सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त करने में सहायता देगी। Choosing Roy Technical Institute means investing in your future. Our courses are not only academically rigorous but also focused on developing the practical skills and knowledge necessary for immediate workplace integration. Whether you aspire to work in government agencies or private enterprises, our programs are designed to make you a valuable asset in today's competitive job market.